और इस भ्रम में मेरा सैदपुर भी था। सैदपुर को भी लगता था कि सपा की सरकार बनेगी, गाजीपुर को लगता था, जोधपुर को लगता था। मैंने कहा कहां भ्रम में हो, अभी 22 में छोड़ दो, आने वाले 7 जन्म में सपा की सरकार नहीं बनेगी। कितने जन्म? 7 जन्म। कारण बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो कैसे बोलता है? मैंने अगर ये बात कही तो कैसे कही? इस दम पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, जो माफियागिरी करेगा उसको या तो यूपी छोड़ा देंगे नहीं तो दुनिया छोड़ा देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आते हैं आपके बीच में, चाहे वो योगी जी आए, कुछ नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी, या आपके बीच में हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी आए, वो यही बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम सब मिल करके इस देश को ताकतवर कैसे बनाए, कैसे ऐसा भारत बनाए। हमारे किसी भी भाई को, हमारे किसी भी बहन को यह सोचना ना पड़े कि उसके पास रोजगार कहां से आएगा, उसके पास काम कहां से आएगा, उसके पास पैसे कहां से आएंगे, उसके पास सुविधाएं कहां से आएगी। बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो गलती हमारे सैदपुर के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने पहले किया, उसको वो लोग भी समझ रहे हैं और सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले भ्रम में आकर के, उनको लगता था कि सपा की सरकार बन जाएगी, और उस चक्कर में आकर के सैदपुर के हमारे विधायकी वाले सीट पे भी वो लोग भ्रम में पड़ गए, हमारे जो सांसद की सीट थी उस पे भी भ्रम में पड़ गए, और इस वजह से बहुत पीछे चला गया हमारा गाजीपुर। तो अब सैदपुर की जनता ये बात समझ रही है कि हमें सैदपुर को चमकाना है और सैदपुर के भविष्य को देखना है तो निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सैदपुर में भी जब कमल खिलेगा तेजी से यहाँ विकास होगा, और हम सब लोग मिल करके और इसको चमकाने का काम करेंगे। दिनेश जी, आपके जो समाजवादी पार्टी से विपक्षी हैं वो अंसारी बंधुओं के काफी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में कल एक फैसला आया था जिसमें अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई, ऐसे में क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है या कानून के खिलाफ जाकर के कुछ काम करता है तो कानून उसको उसकी सजा देगा ही देगा। और जहां तक इस चुनाव की बात है तो चुनाव में जनता सिर्फ ये देख रही है कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो हम सब ये देख पा रहे हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है वहाँ का काम बिल्कुल रुका हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अब सब लोगों ने ये तय कर लिया है, चाहे वो छोटे से छोटे चुनाव में हम जाएं या बड़े से बड़े चुनाव में जाएं, हमको कमल ही खिलाना है, क्योंकि हमें भारत के साथ साथ अपने गाँव को, अपने घर को, अपने बाजार को, इसको भी चमकाना है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारा भारत पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है, चमक रहा है, लेकिन भारत नया भारत बन रहा है तो हमें नया सैदपुर भी बनाना है, हमें नया आजमगढ़ भी बनाना है, हमें नया गाजीपुर भी बनाना है। तो वो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि यहाँ होना जरूरी है, और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग, हमारे विधायक जी हमारे मुगलसराय से और हमारे विधायक जी जो यहीं से 2 बार विधायक रहे, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसीलिए कि जब हमारा सैदपुर का भी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा, सुशीला जी यहाँ जीतेंगी, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा काम कर पाएंगी और हम सब मिल करके ज्यादा काम करेंगे।